जय हिंद दोस्तों। देखिए इस बार दोस्तों रेलवे आप लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े मौके लेकर के आ रहा है। इस बार आपको पक्का रेलवे में नौकरी लेकर के दिखाना है, क्योंकि दोस्तों 2024 में पता है आप लोगों को रेलवे की बम्पर वैकेंसी निकल रही है। तो ये जो हम आज वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो को सभी विद्यार्थियों के लिए देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम ये बताएंगे दोस्तों कि गुड न्यूज है, रेलवे का तीन नया आने वाला सरकारी भर्ती 2023-24 का कौन कौन सा है, जिसके लिए फॉर्म दोस्तों कुछ ही महीनों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वैकेंसी नंबर 1, वैकेंसी नंबर 2, वैकेंसी नंबर 3, और तीनों के तीनों 100% सरकारी वैकेंसी है, और तीनों में जो है सीट बहुत ज्यादा ही रहने वाला है। और NRA CET जो है वो लागू होगा कि नहीं होगा, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अभी रेलवे ग्रुप डी की क्वालिफिकेशन को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो आप कर क्या रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे जो लाल बटन है उसको दबाइए, घंटी कॉल पे प्रेस कीजिए, हर प्रकार का इंफॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर हम लोग बात करेंगे रेलवे का तीन नया आने वाला, अभी ये आया नहीं है, मैंने स्पष्ट क्लियर यहां पर लिख दिया है, रेलवे का तीन नया आने वाला सरकारी भर्ती 2023-24। ठीक है, आने वाला मतलब अपकमिंग वैकेंसी है, और ये सारा का सारा यहां पर एक नंबर, ये हो गया आपका दो नंबर, और ये हो गया आपका तीन नंबर, तीनों का तीनों, कोई दूसरा विभाग नहीं है, तीनों का तीनों रेलवे के बारे में हम लोग बात करेंगे। और रेलवे में अलग अलग पदों पर दोस्तों वैकेंसी निकल के आ रहा है। सबसे पहले नंबर 1 वैकेंसी की बात करेंगे, ये दोस्तों निकल के आएगा, रेलवे तो है ही है, साथ में दोस्तों अभी इसका काफी ज्यादा चर्चा है, क्वालिफिकेशन को लेकर की काफी ज्यादा इस पर चर्चा चल रहा है। और RRB सिकंदराबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को एक नोटिस भी दिखाए थे हम, जो कि कुछ दिन पहले जारी हुआ था, इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर के। ये जो वैकेंसी दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुप डी का, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का दोस्तों यदि कहीं ना कहीं चर्चा चल रहा है, क्वालिफिकेशन को लेकर के बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको ये जानना चाहिए कि वैकेंसी आने वाला है तभी ये चर्चा में है। ठीक है, वैकेंसी आने वाला है तभी ये चर्चा में है। तो रेलवे ग्रुप डी का दोस्तों आप लोगों को बहुत बड़ा यहां पर सीट देखने को मिलेगा, जो पिछला वाला ग्रुप डी था उसका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह लगभग खत्म ही हो गया, ज्वाइन वगैरह हो रहा है धीरे धीरे, ये लगभग खत्म हो गया। सीट दोस्तों इस पर कितना निकल के आने वाला है ये अभी तो तय नहीं है, ये हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आने वाला है। आप जो भी यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं, इतनी ज्यादा चर्चाएं हो रही है, RRBs के द्वारा नोटिफिकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के बातें हो रही है, और न्यूज़पेपर वगैरह में भी कई बार आ चुका है कि रेलवे का भर्ती आएगा आएगा आएगा, तो दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संभावना है कि ग्रुप डी में आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगा। अब ये कितना सीट देखने को मिलेगा, हो सकता है 50,000 मिल जाए, 60,000 मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो संभावना दोस्तों सीट का अभी आप छोड़ दीजिए, इतना मान के चलिए कि रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा तो मेरा एक सीट पक्का होगा। और सीट दोस्तों हमेशा ग्रुप डी का बहुत ज्यादा ही निकलता है, क्योंकि ग्रुप डी ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी रिजाइन कर देते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि ग्रुप डी में ज्वाइन किए और देखोगे कि कल ये रिजाइन कर दिया, वैसा वैसा मामला देखने को बराबर मिलता रहता है, तो सीट जो है काफी ज्यादा वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है। तो रेलवे ग्रुप डी का यदि वैकेंसी आता है तो सीट भी काफी ज्यादा निकलेगा, अभी वैकेंसी आया नहीं है लेकिन आने की अधिकतम संभावना है, तो ग्रुप डी का भी वैकेंसी आएगा। उम्र सीमा इस पे कितना मांगता है, तो देखिए इस पे कम से कम 18 साल तो आपका मांगेगा ही मांगेगा, ठीक है, 18 इयर्स यदि आपका है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करेंगे अधिक से अधिक कितना एज होना चाहिए, तो देखिए दोस्तों 33 साल तक, ठीक है, जनरल का यदि आपका एज लिमिट रहता है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। OBC को 3 साल छूट मिलेगा, SC ST को 5 साल का वो एज में छूट देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आने वाले वैकेंसी में यदि एक्स्ट्रा एज में रिलैक्सेशन वगैरह दे तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों यही एज लिमिट रहता है रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है, तो एज का कोई दिक्कत नहीं, काफी अच्छा खासा इस पे एज मांगता है। अब अप्लाई करने में कितना पैसा लगेगा, यदि वैकेंसी आती है तो कितना पेमेंट मांगेगा, तो पता आपको कि 500 रुपया मांगता है रेलवे, ठीक है, 500 रुपया मांगता है, और बाद में उसको रिफंड भी कर देता है, मतलब
यदि आप एग्जाम में बैठते हो तो आपको पैसा वापस मिल जाता है, जो कि रेलवे की बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इसमें योग्यता क्या मांगेगा, जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है योग्यता को लेकर के। देखिए 2019 में जो वैकेंसी निकला था, आप लोगों को पता होगा, उसी वक्त 10th और ITI रखा था योग्यता, ठीक है। लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन वगैरह हुआ कि ITI को हटाया जाए जो भी टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए, तो दोस्तों ITI को वहां पर रिमूव कर दिया, ठीक है, और सभी 10th वाले अप्लाई कर दिए रेलवे ग्रुप डी के लिए। लेकिन इस बार जो भी टेक्निकल वगैरह का पोस्ट है उस पर दोस्तों आपका 10th के साथ साथ क्या बोला है कि ITI है तब आप फॉर्म को भर पाएंगे, या फिर अप्रेंटिस रहेगा तब आप फॉर्म को भर पाएंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे कि अप्रेंटिस क्या होता है, तो ये एक कोर्स होता है। क्या होता है, ये एक कोर्स होता है जो कि दोस्तों जो ITI किए हुए स्टूडेंट रहते हैं वो अप्रेंटिस करते हैं, ठीक है। अप्रेंटिस रेलवे भी कराता है या फिर बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अप्रेंटिसशिप कराता है, जिसपे आपको जैसे कि होता है ना डिफेंस में फॉर्म भरोगे तो यदि आप NCC किए हुए होंगे तो आपको प्रेफरेंस मिल जाता है, उसी तरह से यदि आप रेलवे वगैरह का फॉर्म भरते हो तो यदि आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आपको इस पे फायदा देखने को मिलता है, ठीक है। तो 10th के साथ साथ आपका या तो ITI होना चाहिए या फिर अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर पाइएगा, जहां तक अभी तक इतनी ही जानकारी है। आगे क्या होगा इसका अभी कोई पता नहीं है, समझ में आ गया। आगे यदि कोई फर्दर अपडेट आता है तो हम चैनल पर वीडियो बना करके आप लोगों को बता देंगे। ये दोस्तों हम किस बेस पर बता रहे हैं, आप लोगों ने मेरे अलावे और भी YouTube पर कई प्रकार के वीडियोस भी देखा होगा जिसपे RRB सिकंदराबाद की वेबसाइट पर एक रिबन ऊपर में चल रहा था और लिखा था कि अटेंशन क्वालिफिकेशन फॉर लेवल 1 पोस्ट ग्रुप डी के लिए, जो कि हम आप लोगों को वीडियो बना करके भी डाउनलोड करके हम पहले दिखाए कि कहां से नोटिस डाउनलोड हो रहा है, फिर डाउनलोड करके उसको पढ़ के भी बताए कि नहीं, तो आपने देखा ही होगा। तो 10th के साथ साथ ITI मांगेगा और अप्रेंटिसशिप मांगेगा, ठीक है। अप्लाई कब होगा दोस्तों, तो देखिए 2024 इसके शुरुआती महीनों में इसका फॉर्म कभी भी जारी हो सकता है, यदि संभावना है, चर्चा चल रहा है तो आने का भी पॉसिबिलिटीज है, तो आप इसके लिए इंतजार कर सकते हैं। और अदर एग्जाम 10th लेवल का जो भी आप उसके लिए तैयारी कीजिए, लेकिन दिमाग में रखना कि यह भी वैकेंसी चर्चा में है, इसका भी मैटर छिड़ रहा है, तो वैकेंसी आने का पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे वैकेंसी नंबर 2। वैकेंसी नंबर 2 दोस्तों ये भी काफी ज्यादा ट्रेंड में है, ये हम बात करेंगे रेलवे TT का, ठीक है। रेलवे TT ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर की भी बम्पर पदों पर भर्ती निकल के आ रही है, और ये दोस्तों इतिहास में पहली बार इतना ज्यादा TT का वैकेंसी आएगा। रेलवे TT का जो वैकेंसी बहुत पहले जारी हुआ था, अब ये कहना मुश्किल है कि NTPC के माध्यम से इसमें सिलेक्शन होगा या फिर कैसे होगा, ये दोस्तों अभी नहीं पता है, लेकिन कई बार न्यूज़पेपर वगैरह में आया है, रेल मंत्रालय के द्वारा बताया गया है, जैसे अश्विनी वैष्णव सर जो रेल मंत्री हैं उन्होंने कहीं कहा है कि हाँ रेलवे भर्ती आएगा, कहीं कोई डेटा निकल का है, कहीं कोई ट्वीट में आप लोगों ने कई बार देखा होगा, ठीक है, कहीं दैनिक भास्कर में छपा तो कहीं दैनिक जागरण में, कहीं हिंदुस्तान में, तो दोस्तों कई जगह आपने देखा है कि 2023-24 में वैकेंसी आएगा, उसमें टीटी का भी नाम शामिल है, ठीक है। तो टीटी का भी वैकेंसी आएगा जिसको बोलते हैं ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। अब कहीं कहीं चर्चा है कि इस पर 25,000 सीट है, कहीं चर्चा है कि 2500 सीट है, कहीं चर्चा है कि 8,000 सीट है, तो जितना भी सीट होगा दोस्तों, लेकिन टीटी का वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। मान के चलिए, आप एवरेज मान के चलो कि लगभग 10,000 ही यदि सीट रहेगा, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो एक सीट मुझे लेना है, तैयारी उस लेवल का करके रखो, ठीक है। इस पे एज कितना मांगता है, कम से कम 18 साल तो मांगेगा ही मिनिमम फॉर्म भरने के लिए। जनरल वालों का OBC SC ST को छूट मिलेगा 3 साल और 5 साल का। अधिकतम एज दोस्तों 30 ईयर्स रहेगा जनरल का, और OBC SC ST को 3 साल 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, हो सकता है आने वाली वैकेंसी में एक्स्ट्रा एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिले, ठीक है। अप्लाई करने में इसमें भी आपका उम्मीद है कि 500 रुपया ही मांगना चाहिए, जो कि बाद में रेलवे इसको रिफंड भी कर देती है, ठीक है। योग्यता दोस्तों टीटी के लिए 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास यदि आप होंगे तो आप फॉर्म को भर पाएंगे, आर्ट साइंस कॉमर्स सब चलेगा इस पर, ठीक है। अप्लाई डेट दोस्तों ये भी 2024 की वैकेंसी है, 2024 में आने वाला है, अधिकतर संभावना है कि 23 में भी आ जाए, हो सकता है 23 में भी आ जाए,
दिसंबर में आ जाए, नवंबर में आ जाए, तो संभावना के बेस पर ही हम आपको बता रहे हैं। अभी एग्जैक्ट कुछ डेट पता नहीं है, लेकिन ये सब वैकेंसी आने वाला है, इसलिए आपको हम बोल रहे हैं, ठीक है। इसका तीन नंबर का जो वैकेंसी है दोस्तों, ये भी रेलवे के द्वारा निकलने वाला है, जो कि है ALP और टेक्नीशियन। ALP का मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट, आप लोगों को पता होगा जो ट्रेन के ड्राइवर होते हैं, ठीक है, वो होते हैं लोको पायलट। लेकिन जो नए रिक्रूट होते हैं वो होते हैं ALP, वो उनके साथ रहते हैं, जो कि दोस्तों उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं, वो उनके साथ रहते हैं और सीखते हैं धीरे धीरे, और दोस्तों फिर बाद में 8 साल 10 साल ड्यूटी के बाद वो लोको पायलट बन जाते हैं। लेकिन जब आप ज्वाइन करोगे तो आप क्या बनोगे, ALP असिस्टेंट लोको पायलट। और एक होता है टेक्नीशियन, जिसको बोलते हैं टेक्नीशियन का भी भर्ती आएगा। बहुत जगह आप लोगों को देखने को मिला होगा, लगभग इस पे 60,000 बताया जा रहा है कि सीट है, हो सकता है ये कम भी हो जाए, घट भी जाए या फिर बढ़ भी जाए, कोई अभी इसका कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ALP का भी बंपर पदों पर वैकेंसी निकलेगा, ठीक है, आप इसके लिए तैयार रहिएगा। एज मांगेगा कम से कम 18 साल, जनरल वालों का सबका कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक दोस्तों इस पे आपका 28 तक इस पे एज मांगता है, एक बार देख लीजिएगा। प्लस में OBC SC ST को 3 साल और 5 साल का रिलैक्सेशन भी देता है, समझ में आ गया, ये इसका एज लिमिट है। एज कब से काउंट करेगा, एक्स्ट्रा एज में रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वैकेंसी आने के बाद पता चलेगा। अभी हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि कौन कौन सा वैकेंसी आने का पॉसिबिलिटीज है, ठीक ना। इस पे भी दोस्तों आपका 500 ही पेमेंट मांगने का पॉसिबिलिटी है रेलवे के द्वारा, जो कि बाद में रिफंड हो जाएगा। अब योग्यता इस पे क्या मांगेगा, देखिए योग्यता इस पे मांगेगा 10th के साथ ITI, ठीक है, 10th के साथ ITI, या तो 12th आपने PCM से कर रखा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ, या फिर ये और है, ठीक है, और यदि आपने BTEC कर रखा है, जो कोई भी टेक्निकल डिग्री कर रखा है, जैसे कि इंजीनियरिंग कर रखा है, तो ये सब दोस्तों आप कोई भी टेक्निकल डिग्री है, डिप्लोमा कर रखा है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर पाइएगा, समझ में आ गया। ये दोस्तों ALP की बात कर रहे हैं। इसके अलावा रेलवे में और भी वैकेंसी आने वाला है, जो कि है RPF का, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में सिपाही यानी कॉन्स्टेबल और SI यानी सब इंस्पेक्टर, दरोगा का भी जो डबल स्टार वाले होते हैं, उसकी भी वैकेंसी आने वाली है, जिसके बारे में हम कई बार आप लोगों को बता भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पर तीन ही वैकेंसी के बारे में मुझे बताना था, इसलिए तीन को ही रखें। तो रेलवे में दोस्तों RPF का भी बम्पर वैकेंसी आएगा, ठीक है, लगभग 10-12 हज़ार कॉन्स्टेबल का आएगा और 3,000 लगभग SI का वैकेंसी आएगा, तो उस सब के बारे में भी वीडियो हम धीरे धीरे आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो अभी दोस्तों एक भी वैकेंसी आया नहीं है, ये दोस्तों कई प्रकार के वीडियोस के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी दोस्तों कई बार अपने वीडियो में बता रखा है कि ये वैकेंसी आ रही है, तो वैकेंसी आएगा 24 में आएगा। अब आप बोलोगे कि सर कब आएगा, तो देखिए 2024 शुरू होते होते ना वैकेंसी आ जाएगा, ठीक है, आपका पता है ना कि 2024 में चुनाव है, तो युवाओं से जो भी वादा किया गया है वो वादा सरकार जरूर पूरा करेगी, वैकेंसी जरूर निकालेगी, ठीक है। तो 2024 हो सकता आप लोगों के लिए अच्छा साल हो, 23 में ही आप पूरी तरह से तैयार रहो, हो सकता बहुत सारे वैकेंसी 23 में ही निकल जाए। तो जो भी होगा चैनल पर अपडेट मिलता रहेगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।